बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महम कहानी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नॉवल को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और कमेंट पे अपनी कीमती राय ज़रूर दिया कीजिए। चलते हैं नॉवल की तरफ। कहाँ जा रहे हो? उसके चेहरे के तासुरात देख कर फ़िक्रमंदी से बोली, यार मेरे सर में दर्द हो रहा है, घर जाना चाहता हूँ, मामा को भी भेज दो बाहर प्लीज़। सपाट लहजे में कहता होटल से बाहर निकल गया, मगर वो उसे तकती रह गई थी। रामीन यहाँ क्या कर रही हो? रुखसती का टाइम हो रहा है, आओ जल्दी। फ़ाइका बेगम ने उसे एंट्रेंस पर खड़े पुकारा तो वो भी आँख का किनारा साफ करती मुड़ गई थी। मोहित, यह आखिरी तकलीफ़ सह लो, फिर मनाहिल कभी हमारे बीच नहीं आएगी। अपने तसव्वुर में उससे मुखातिब थी जो उसके रकीब की वजह से उसे छोड़कर चला गया था। फ़ाइज़ा मलिक को घर छोड़कर वो कार लेकर निकल गया था। फुल स्पीड में ड्राइव करता अपनी सोचों में गुम था। आँखों के सामने बार बार वो दुश्मन जहाँ आ रही थी, कितनी हसीन लग रही थी। वो कितना खुशकिस्मत था ज़ियान हैदर, जिसे वो कोहिनूर मिल गया। समझ नहीं आ रहा था वो कैसे अपने दिल को तसल्ली दे। गम का एक पहाड़ था उसे सर करना था। कितना मुश्किल था अपने महबूब को किसी और के पहलू में देखना। क्यों क्यों मनाहिल, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? सड़क के बीचों बीच कार से उतरता गम से चीख पड़ा था। कितना बदकिस्मत हूँ मैं तुमसे, तुम मुझे क्यों ना मिली? मनाहिल कर्ब से कहता अपनी नम आँखों को पहुँचा। काश मुझे तुम मिल जाती, काश तुम मुझे कभी ना मिलती। कार से टेक लगाए दुख से सोचा और अपनी नम आँखों को साफ करके कार में बैठ गया। आज मोबाइल से उस दुश्मन ने जा की आखिरी यादें भी डिलीट कर दी थी। अब इन तस्वीरों पर भी उसका कोई हक ना था, जिसे उसके दर्द की ज़रा बराबर भी परवाह नहीं थी। तुम लोग मुझसे मेरे ही कमरे में जाने के पैसे मांग रही हो? वो सब दरवाज़े पर खड़ी उसका रास्ता रोके खड़ी थी। जाहिर है हमारी प्रिंसेस को ले लिया है आपने, कुछ तो देना पड़ेगा ना? हिना ने कमर पर हाथ रखकर लड़ाका अंदाज में कहा तो ज़ियान ने नाक पर से मक्खी उड़ाई। तो क्या करूँ, अब तो बलि का बकरा बन चुका हूँ, उसने उकताए हुए अंदाज में कहा। तो रिदा और हिना ने उसे घूरा, जबकि रामीन ने उसकी बात की तायीद की। अंदर बैठी वो अपने लब काट कर रह गई थी। जुल्म तो हुआ है भाई, मगर क्या करें, मजबूर हैं, दस्तूर ज़माना है ये भी, रामीन ने मुस्कुराकर कहा। तो ज़ियान ने बेजारी से सर झटका। देख लें, जाने नहीं देंगे, इतने कंजूस बने तो, रिदा ने धमकी दी। ठीक है, अपनी पेस्ट्री को उठाकर ले जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं, उसने मुस्कुराकर इन लोगों को सुलगाया। असल मकसद अपनी जोजा को तपाने का था। ठीक है रिदा और दुआ, आज हम ज़ियान भाई के कमरे में सोएंगे। आज राहिम के साथ आप सो जाएं। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा बंद करती हतमी अंदाज में बोली, ओ पागल लड़की, मुझे राहिम से जूते नहीं खाने, और वैसे भी मुझे अपने रूम में ही नींद आती है। डपटते हुए जेब में हाथ डालकर जेब में वॉलेट निकाला तो सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। कितने चाहिए? चेकबुक निकालकर पूछा। कैश जितना भी आपके पास मौजूद है अभी, रिदा ने हाथ आगे करके कहा। नुकसान में रहोगी, मुस्कुराकर छेड़ा और उसके हाथ पर रख दिए। कोई बात नहीं, बाकी ड्यूज़ हैं, मुस्कुराकर कहा। 5,000 वाले 4-5 नोट बाहर निकल गए। अंदर आकर रूम लॉक किया और कमरे पर एक ताहिराना निगाह डाली। पूरा कमरा गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। जहाज़ी साइज़ गोल बेड पर वो अतखिली कली बड़े इस्तेकाक के साथ घूंघट डाले अपने धड़कनों को संभाले बैठी थी। सर झटकता अलमारी से कपड़े निकाल कर चेंज करने वाशरूम में घुस गया। वो जो कब से सर झुकाए बैठी थी, उसके जाने पर घूंघट उठाकर एक नज़र सजे हुए कमरे पर डाली और अपना शरारा संभालती बेड से उठकर ड्रेसिंग टेबल तक आ गई। इस शख्स से घूंघट उठवाने की ऐसी कोई चाहना थी? वो वॉशरूम से उसकी हस्ब तक को बगैर शर्ट के निकला तो उसे ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा दुपट्टे की पिनों में उलझा देख तौलिया बेड पर फेंक कर गुस्से से उसकी जानब बढ़ा। ये सब सिंगार किसके लिए किया जाता है? हाँ मुझे बताओ, मुझे उसका बाजू पकड़ कर खींचा तो वो पूरी की पूरी उसमें समा गई। दोनों हाथ उसके कसरती सीने पर रखे, आंखों में खौफ लिए उसे देखने लगी। बताओ मुझे मिसेस मनाहिल, ज़ियान मनाहिल को अपनी बाहों में लिए इस्तफसार कर रहा था। शेष शोहर के लिए नज़रें झुकाकर आहिस्ता से बोली, उससे दूर होने की कोशिश करने लगी जो इतना आसान ना था। फिर मुझसे पूछे बगैर हाथ भी कैसे लगाया? एक झटका देकर मज़ीद करीब किया। वो सुन होते वजूद के साथ नजरें झुकाए उसके रहमो करम पर थी।
मुझे उलझन हो रही थी, पलकें झपक कर आंसू रोकती खुद को उसके गिरफ्त से आज़ाद करने लगी। ज़ियान ने अचानक इस रुख आईने की तरफ किया उसका रुख आईने की तरफ किया और गहरी नज़रों से उसे देखने लगा। मनाहिल ने मिरर में नज़र उठाई तो वो उसी का जायज़ा ले रहा था। दिल तेज़ी से धड़कने लगा। ज़ियान उसका हाथ उसके दुपट्टे पर रुके पिंस निकालने लगा। उसने झिझक कर दूर होना चाहा। मैं कर लूँगी, नज़रें नीचे किए आहिस्ता से बोली। क्यों, क्या मैं नहीं कर सकता, उसने नागवारी से कहा तो उसने थूक निकला और खामोशी से खड़ी हो गई। आखिरी पिन हटी तो दुपट्टा कदमों में आ गिरा। एक एक करके अपने हाथों से जेवर उतारने लगा। वो बुत बनी खड़ी उसे खुद से टच से बचा रही थी। नेकलेस उतारने के बाद मनाहिल को उसके लबों का लम्स अपने कंधों पर महसूस हुआ तो वो फौरन खिसक कर ड्रेसिंग से जा लगी। आप जानबूझकर मुझे तंग कर रहे हैं, अपने आंसू रोकती नम लहजे में बोली। तो वो जो इस जादूगरनी के शहर में जकड़ा जा रहा था उसके दूर होने से नागवार नज़रों से उसे देखा। अच्छा, मैं तंग कर रहा हूँ तुम्हें, तो ज़रा बताना मुझे क्या करना चाहिए। आज की रात दांत पीसते हुए फिर से करीब किया तो उसकी पलकें लर्ज उठी। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती, आप भी इस शादी से खुश नहीं हैं, बहुत मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल कर पाई थी। तुम होती कौन हो ये डिसाइड करने वाली कि मैं क्या चाहता हूँ और कैसे मेरी ज़िंदगी संवरेगी। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो अपना हक छोड़ देते हैं, शदीद गुस्से के आलम में उसकी रही सही हिम्मत भी तोड़ गया। यकदम आंखों का बंद तोड़कर ज़ारो कतार रोने लगी थी। आइंदा अगर मैंने तुम्हारी मजबूरी या बोझ का लफ्ज़ सुना तो याद रखना तुम्हारा मुंह बंद कराने के और भी तरीके हैं, मुझे आते हैं। शादी खुशी से हुई या जैसे भी हुई, अब इसे निभानी है चाहे हम दिल से खुश हों या नहीं। उसकी तंबी पर उसकी हिचकियाँ बन गई थी। चुप हो बिल्कुल, उसकी तेज़ आवाज़ पर अपने आप को उससे छुड़ाती और रोने लगी। ज़ियान का सब जवाब दे चुका था, उसे ऊंचा करके उसकी सिसकियों को अपने लबों में कैद कर गया। वो इस हरकत पर बेबसी से खुद को छुड़ाने लगी। वो जब भी ना हटा तो अपने नाखून उसकी पुश्त पर गाड़ दिए। वो यकदम उससे दूर हुआ और बैठ के पास खड़ी सुर्ख चेहरा दिए रुख मोड़ गई थी। जंगली बिल्ली बड़बड़ा कर उसे बाजुओं से खींचा जो अपने आंसू पोंछ रही थी। ये ड्रामे मेरे सामने ना करो तो ज़्यादा बेहतर है, मैं सिर्फ तुम्हें चंद दिन की मोहलत दे रहा हूँ, मगर जिस दिन भी मैं ये फासले मिटाने पर आया तुमको बेबस कर दूंगा, समझी, गुस्से से कहता साइड टेबल से सिगरेट का पैकेट और लाइटर उठाता बालकनी में चला गया। वो लपकाटती उसे जाता देखती रही। ये शायद ज़ियान हैदर का उस पर एहसान ही था जो वो उसे बख्श किया था। अपने आंसू पोंछती ड्रेसिंग रूम में आ गई मगर अपने लिए लटका इंतहाई मुख्तसर लिबास देखकर पानी पानी हो गई थी। बाहर आकर अलमारी से सादा सा ड्रेस निकाला। आई तो वो अब तक बालकनी में खड़ा स्मोकिंग कर रहा था। शुगर करती सारी लाइट्स ऑफ करके बेड पर आकर खुद को ब्लैंकेट में अच्छी तरह छुपाए बिल्कुल किनारे पर लेट गई। काफ़ी देर तक करवटें बदलती रही और आंखें खोलकर बेड की दूसरी साइड देखती रही जो अब तक खाली थी। सुकून का सांस लेकर आंखें बंद कर गई और ख़ुद को ब्लैंकेट में कवर कर गई। उसकी आंख किसी शोर से खुली, काफ़ी देर तक समझ ना सकी कहाँ है और क्या टाइम हो रहा है, मगर ख़ुद को किसी बोझ तले महसूस किया। जब पूरी तरह बेदार हुई तो होश उड़ गए थे क्योंकि वो अपने देव की बाहों में कैद सो रही थी। शर्म से चेहरा तपने लगा था। ज़ियान का हाथ खुद पर से हटाना चाहा मगर शायद वो गहरी नींद में था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी शर्म से फोत हो जाएगी। कोई बहुत ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा था, उसे समझ ना आया क्या करें, या अल्लाह इनकी आँख ना खुले। वो हल्के से दुआ मांगती उसके बाजू खुद पर हटाने की कोशिश कर रही थी। अगर उसकी आँख खुल जाती तो उसे अपनी खैरियत नज़र नहीं आ रही थी। तुम्हें क्या लगता है इतने शोर और तुम्हारी इस गुर्बत में मैं सो सकता हूँ, अपनी नीमवा आँखों से देखता उस समेत करवट बदल गया। वो यकदम हवास बाख्ता सी हो गई थी। देखें प्लीज़ मुझे जाने दें, कोई दरवाजे पर है, थूक निकलते मासूमियत से कहा तो ज़ियान ने एक नज़र दरवाजे को देखा और फिर उसके मासूम मुखड़े को देखा। इतना रहम दिल तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ये मेरी आँख खुलवाने से पहले सोचना था, उस पर झुकने लगा। मैंने नहीं उठाया आपको, बहुत आजिज़ी से कहा। उसकी मासूमियत पर टूट कर हंसी आई। दरवाजे की दस्तक अब बंद हो चुकी थी। आँख तो खुल गई ना मेरी, दोनों हाथों से उसके हाथों को काबू करना उस पर हावी हो चुका था।
होश तब आया जब वो जारों का तार रोने लगी। सर उठाकर हैरत से उसे देखा। अगर तुम अपनी खैर चाहती हो तो इन आंसुओं को एक सेकंड में साफ कर लो, उसे तंबी करते दांत पीस कर बोला। ऊपर वाले ने भी किसको मेरे नसीब में लिख दिया है। मैं मेरे हाथ तो छोड़ें, रोते हुए झंझला कर कहा तो उसने मुस्कुराते हुए हाथ छोड़ दिए थे। आपने कहा था आप मुझे कुछ टाइम देंगे, फिर आप क्यों? वो शर्म से सुरख पड़ती यकदम चुप हो गई। क्या मतलब? अब मैं इन छोटी छोटी बातों को भी तुमसे इजाज़त मांग कर इन छोटी छोटी बातों की भी तुमसे इजाज़त मांगूंगा? गहरी नज़रों से उसे देखा, जो आंखें फाड़े उसे देख रही थी। जाओ अब, वरना फिर जाने नहीं दूंगा। उस पर से हाथ हटाते हुए करवट बदल कर लेट गया। वो भी तीर की तेज़ी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। दुपट्टा लेना बेकार था क्योंकि वो आधे से ज़्यादा उस देव के नीचे दबा हुआ था। रेड फ्रॉक में बालों पर तौलिया लपेटे वॉशरूम से निकली तो ज़ियान एक नज़र उसे देख कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था, लेकिन फिर वापस मुड़ा। मुंह दिखाई तो तुमने खुद ही कर ली थी, मुझे मौका ना मिला। खैर, इस ड्रामे तुम्हारे इस बचपन से अब तक देखे हुए मुंह के कंगन रखे हैं, निकाल लेना, चिढ़कर कहता बुरा सा मुंह बनाकर वॉशरूम में घुस गया, जबकि वो उसकी पुश्त को घूर कर रह गई। मैं तो जैसे इनके गिफ्ट के लिए मरी जा रही हूँ। गुस्से से ब्रश पड़खती दरवाजे की तरफ बढ़ गई, जो एक बार फिर बजना शुरू हो गया था। दुपट्टा पहनकर दरवाज़ा खोला तो सामने हिना और रिदा खड़ी थी। अल्लाह का शुक्र है हमारे न्यूली मैरिड कपल की सुबह तो हुई, हिना ने बाकायदा शुक्र अदा किया तो वो झेम सी गई। हिना ने कमरे में नज़र दौड़ाई, ये ज़ियान भाई नज़र नहीं आ रहे, वॉशरूम में है। ख्वामुखा अपने बालों में दोबारा ब्रश फेरने लगी। हिना की गहरी नज़रें खुद पर अच्छी तरह महसूस कर सकती थी। रिदा मुझे अपना मोबाइल देना, तूबा से बात करनी है, उसने उन्हें बातों में लगाना चाहा था। क्यों, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? रिदा ने हैरत से पूछा। काफ़ी टाइम से ऑन नहीं किया, अब देखूंगी, नज़रें झुकाकर आहिस्ता से बोली थी। तस्वीरों वाले मामले के बाद से उसने अब तक फ़ोन ऑन नहीं किया था। ठीक है, लाती हूँ। वो कमरे से निकलती बालों का जोड़ा बनाने लगी। हिना अब भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी माई ने खैर नज़रों से तंग आ गई थी। कल जो ड्रेस मैंने लटकाया था वो पहना? उसने एक्साइटेड होकर पूछा तो मनाहिल ने उसकी कमर पर हाथ मारा था। बेगैरत, तुम्हें ज़रा शर्म ना आई? वो सुरख पड़ने लगी। हिना खिलखिला कर हंस दी थी। ज़ैन भाई ने क्या कहा? उसके पलके झपकाए, गुलाबी पड़ते उसे देखा, मगर वो सिर्फ उसे घूर कर रह गई। एक बात बताओ, मुँह दिखाई में क्या दिया? कंधे से कंधा टकरा कर फिर उसे छेड़ा तो वो तब उठी, दिमाग ना खाओ, ड्रेसिंग की चीज़ें समेट कर मुड़ने लगी तो हिना ने उसे रोका। अच्छा तो बताओ, वो ज़ियान भाई से भाई कैसे लगे? हिना की बात पर मनाहिल बीबी का चेहरा अनारी हो गया था। तुम्हारी तरह इंतहाई बेहुदा, उसने दांत पीस कर कहा तो हिना का कह कहा निकल गया। सच में, उसे गहरी नज़रों से देखने लगी तो उसने फौरन नज़रें चुरा ली। लो मोबाइल, रिदा ने कमरे में आकर उसे मोबाइल देना चाहा मगर हिना ने मना कर दिया। मेकअप करो इसका, पहले नीचे सब वेट कर रहे हैं। हिना के कहने पर मनाहिल ने बुरा सा मुंह बनाया। मैं थक गई हूँ इस मेकअप से, उसने मना करना चाहा मगर वॉशरूम वो शुरू हो चुकी थी। चुप करके बैठी रहो, माना कि अभी भी कम नहीं लग रही हो, अगर शोहर को जहर करने के लिए ज़रूरी है मेकअप, हिना ने राजदारी से कहा तो जहाँ वो सुर्ख हुई थी रिदा का क्या कहा निकला था। इस वक्त ब्राउन कुर्ता शलवार में निखरा निखरा ज़ियान भी वॉशरूम से बाहर निकला आया। आईने में रेड फ्रॉक पर रेड लिपस्टिक लगाए, गीले बालों को खुला छोड़े मनाहिल का अक्स देखकर एक लम्हे के लिए ठहर सा गया था, मगर हिना और रिदा को देखकर फौरन शिमला, उसका चेहरा लहू छलकाने लगा। ज़ियान भाई, आपने अपनी बीवी को एक दिन में ही चुप करा दिया है, मुँह दिखाई का भी नहीं बताया अब तक। हिना ने ज़ियान से उसकी शिकायत की। यह तो आप लोगों का पर्सनल मैटर है, भला मैं क्यों कुछ कहने लगा? मुस्कुराता हुआ एक नज़र सर झुकाए बैठी मनाहिल पर डालकर बाहर निकल गया। मनाहिल ने एक साइड ड्रॉ से कंगन का बॉक्स निकाल कर उसके सामने रख दिया। लो मरो, झंझला कर बोली तो वो दोनों एक बार फिर हंस पड़ी थी।
शाम को वलीमा था, वो नाश्ते के फ़ौरन बाद रिदा और दुआ के साथ पार्लर चली गई थी, जबकि तूबा से बात करने का मौका नहीं मिला था। आज उसने सिल्वर और स्काई ब्लू कलर की मैक्सी ज़ेबतन की थी। सारा वक्त कज़न्स के साथ स्टेज पर बैठी थी, जबकि ज़ियान थोड़ी देर ही स्टेज पर टिका था, बाकी वक्त अपने मेहमानों और दोस्तों में मगन रहा। आज उसने ब्लैक 3-पीस पहना हुआ था, जिसमें उसकी शानदार शख्सियत मज़ीद नुमाया हो रही थी। ईशा ने आज का फंक्शन अटेंड नहीं किया था और अब्दाल उसे पूरी शादी में एक बार भी नज़र ना आया था। फ़ायगा, माशाल्लाह बहू तुम्हें चांद जैसी मिली है, फ़ायगा बेगम की एक दोस्त ने तबसरा किया तो वो बस मुस्कुरा कर रह गई। उनकी सारी दोस्तें स्टेज पर मौजूद थी। भाई बहन की बेटी है, तभी मिल गई इतनी आसानी से, वरना कहाँ मिलती, ढूंढने से भी इतनी मासूम लड़कियाँ। यह उनकी दूसरी दोस्त का तबसरा था। दोनों बहनें बस मुरवतन मुस्कुरा रही थीं। जबकि वो सर झुकाए खामोश बैठी थी। फ़ायगा, तुम्हारा बेटा तो गायब है, एक बार भी इधर नहीं आया, मिसिस फरीदा ने मुस्कुराकर उसकी शिकायत करी। बस मेहमानों में ही लगा हुआ है, आए मिलवाती हूँ, मुस्कुराकर कहती। इन सबको स्टेज से नीचे ले गई। वैसे भी वो मनाहिल की मज़ीद तारीफ़ें नहीं सुन सकती थी। मोहित को तुमने बुलाया था, उसने बराबर में बैठी तूबा को देख कर पूछा। नहीं तो, मैं तो खुद हैरान थी ये कहाँ से आ गया। फिर उसने बताया, दूल्हा की साइड से इनवाइटेड हूँ। उसने तफसील बताई तो उसके जहन में रामीन का ख्याल आया। रामीन उसे जानती है, हैरत है, हमें पता ही नहीं चला, तूबा ने भी हैरत से कहा तो वो खामोश ही रही। तूबा यार जाओ, मामा को बुला कर लाओ, काफ़ी टाइम हो गया है, अली स्टेज पर आकर तूबा से बोला और उसके बराबर में बैठ गया था। इतनी जल्दी जा रहे हो, मनाहिल नाराज़गी से बोली। जल्दी, लड़की पागल हो गई हो, 2 बज गए, सारे मेहमान जा रहे हैं, उसने सामने से आती रिदा पर से नज़रें हटाकर कहा। मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन में चची जान से बात करूँ, अली को मुस्कुराती नज़रों से देखकर कहा तो उसने नासमझी से उसे देखा। किस बारे में? अरे तुम्हारे बारे में, मुस्कुराकर बोली तो उसके तासरात यकदम बदले थे। बिल्कुल भी नहीं, आई समझ उसे सख्ती से मना करता स्टेज से उतर गया। मनाहिल ने कुछ उलझन भरी नज़रों से उसे देखा था। तमाम मेहमानों को सी ऑफ करके वो स्टेज पर ही आ गया था। ज़ियान, ईशा को कॉल कर लेना, मुझे परेशानी हो रही है, फ़ायगा बेगम पास आकर फ़िक्रमंदी से बोली तो वो सर हिला गया था। मैंने की थी मगर फ़ोन ऑफ जा रहा है, घर चलकर बात करता हूँ उससे, फ़ोन चेक करते हुए बताया तो फातिमा बेगम, जिसने मनाहिल को एक नज़र भी ना देखा था, मुस्कुराकर उसे और ज़ियान को देखा। चले भाई, चलना नहीं है क्या? बाहर गाड़ियां तैयार खड़ी हैं, राहिम ने चलने का कहा तो सब ही खड़े हो गए थे। ज़ियान और राहिम ने ही सारा इंतज़ाम संभाला हुआ था। ये ले कार्ड और इंजॉय कर। सबको रवाना करके ज़ियान को कार्ड थमा दिया और हिना मनाहिल को अपने साथ बाहर ले आई थी। जाओ तुम दोनों गाड़ी में बैठो, राहिम ने अपनी गाड़ी की तरफ इशारा किया तो हिना उसके कान में कुछ कहती गाड़ी की तरफ बढ़ गई, जबकि वो हॉंक बनी अकेली गाड़ी के पास खड़ी उन्हें जाता देख रही थी। बैठो गाड़ी में, अपने पीछे से आती ज़ियान की आवाज़ पर वो चौंकी, जो फ्रंट डोर खोल रहा था वो भी खामोशी से मुँह खोले बैठ गई थी, जबकि ज़ियान ने उसे नज़रअंदाज करके ड्राइविंग पर ही तवज्जो रखी थी। वो न जाने कहाँ खोई बाहर के मनाज़र देख रही थी। उम्र में बता रही हूँ, अगर एक पिक भी ख़राब एडिटिंग की तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, दुआ ने वान करते हुए कहा तो वो क्या कहा लगा कर हंस पड़ा। वो उसके कमरे में बैठी कैमरे में आज की इवेंट की तस्वीरें देख रही थी। अब जैसी शक्ल है वैसी ही तस्वीरें होंगी तुम्हारी, चेहरा हटाकर अब कैटरीना कैफ को लगा दूँ क्या? ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं, हर किसी ने तारीफ़ की है आज मेरी। उम्र हाथ को लपेटने लगा और छोड़ो मैं लपेट रहा हूँ, हंसते हुए बोला तो दुआ ने तपते हुए कुशन से उसकी मार लगाना शुरू कर दी, जबकि वो अब तक ठट्ठे लगा रहा था। क्या हो रहा है? ये कमरे में दाखिल होती फातिमा बेगम नागवारी से बोली तो दुआ एकदम सीधी हो गई। कुछ नहीं, शुगल हो रहा है, आए मैं आज के इवेंट की पिक्स दिखाऊँ आपको, माँ के तासुरात नज़रअंदाज करते आम से लहजे में बोला। उमर
और एडिटिंग मत करना, मैं कल चेक करूँगी। उसे वॉन करके फातिमा बेगम को नज़रअंदाज करती बाहर निकल गई थी। उन्होंने गुस्से से उमर को देखा, ये तुम कब से अपनी बहनों के इतने सगे हो गए, तंजिया अंदाज में बोली। तो उमर ने नासमझी से उन्हें देखा, क्यों बहनें हैं मेरी, मैं सगा नहीं होगा तो और कौन होगा। कैमरा साइड में रख कर हुसीले लहजे में बोला, माँ का अंदाज़ उसे नागवार गुजरा था। वो अब तुम्हें भड़का रही थी मेरे खिलाफ। हाँ बोलो, शक्की अंदाज में बोली। बस कर दें यार मामा, आंखें घुमाता वाशरूम में घुस गया। उनकी आदतें वो अच्छी तरह से जानता था, जबकि वो हैरत से उसके तेवर देखती रह गई थी। मिसिज जियान, अगर आपके ख्यालों का दौर ख़त्म हो चुका है तो बराए मेहरबानी बाहर आ जाएं, दांत पीस कर बोला। वो खफत का शिकार होती नीचे उतरी, मगर सामने बड़ी बड़ी शेप्स को देखकर हैरान रह गई थी। हम यहाँ क्यों आए हैं, परेशानी से उसे देखा। तुम्हें समंदर में धक्का देने, उसने चिढ़कर जवाब दिया। राहिम ने उसके लिए यार्ड बुक कराई थी, उसे अपने साथ घसीटता यार्ड में ले आया, जो रेड रोजेस और येलो और रेड रोजेस और ब्लू और बलून से रेड रोजेस और बलून से फुल डेकोरेटेड थी। मनाहिल ने हैरत से उसे देखा, यकदम दिल घबराने लगा था। मुझे घर जाना है, उसने खुद को नॉर्मल रख कर कहना चाहा। सॉरी, वो तो सुबह ही मुमकिन है, किसी को मैसेज करते हुए बोला। यार्ड स्टार्ट हो चुकी थी, वो भी अंदर रूम की तरफ बढ़ गया। वो सुनसी खड़ी थी, समझ ना आया करे क्या करें। इर्द गिर्द देखा, बैठने के लिए एक टेबल और दो कुर्सियाँ पड़ी थी, चारों तरफ गुलाब और बलून्स फैलाए थे, अजीब सा समंदर का शोर था। वो जल्दी से अंदर रूम में आ गई। हाँ यार, पहुँच गए हैं, मनाहिल को भी ये जगह बहुत पसंद आई है, उसकी हवास बाख्ता शक्ल देखकर हंसते हुए कहा। हिना से कहो परेशान ना हो, उसकी दोस्त को बाहिफाजत ले आऊँगा, मनाहिल समझ गई। इस वक्त वो राहिम से बात कर रहा है, फ़ौरन करीब आई। मुझे बात करनी है, उसने जल्दी से कहकर हाथ फ़ोन की तरफ बढ़ाया, जिसे ज़ियान थाम गया था। ओके गुड नाइट, फ़ोन साइड टेबल पर रख दिया। मुझे बात करनी थी, गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। इन लोगों का दिमाग ख़राब करती गई, ये सरप्राइज़ क्यों प्लान किया, उसने भी गुस्से से उसे बेड पर धक्का दिया और झुककर गौर से देखने लगा। मुझे बात करनी थी कि ये सरप्राइज़ क्यों प्लान किया, मैं आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, मेरा हाथ मत झटकना आइंदा, सख्ती से वार्न करता अलमारी की जानिब बढ़ गया, जबकि वो बेबसी से अपने लब काट रही थी। हिना की बात अब समझ में आई थी, मुख्तलिफ सोचों को झटक कर कमरे का जायज़ा लेने लगी। यहाँ का बेड ज़ियान के बेड से बहुत छोटा था और पूरे कमरे में इसके अलावा बैठने के लिए कोई चीज़ ना थी। हल्की आवाज़ में इंग्लिश सॉन्ग लव मी लाइक यू डू चल रहा था। कमरे में हर जगह रोज़ेस थे। इतने में वो ट्राउज़र पहने वॉशरूम से बाहर निकला था, शर्ट से हमेशा की तरह दुश्मनी निभाई थी। उसने रुख मोड़ लिया, क्या आप कभी शर्ट भी पहनते हैं, चिढ़कर बोली। तो उसके लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई। मेरा दिमाग ख़राब है, जो मैं रूम में भी शर्ट पहन कर फिरूँ, उसके बराबर मैं बेड पर गिरा। तो वो फौरन खड़ी हुई, बेड से दूर हुई। क्या हुआ, सोना नहीं है क्या, उसे इस तरह खड़ा होता देख नागवारी से बोला। वो जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ गई। ज़ियान उसकी पुश देखता अपने जज्बात को थपक कर सुलाने की कोशिश में लगा था, मगर जब भी उस पर निगाह उठती उसे अपने कुर्ब का एहसास लाने को जी चाहने लगता। शायद उसे तंग करना चाहता था, उसकी सहमी शक्ल उसे लुत्फ देने लगी थी। मेरे कपड़े तो हैं ही नहीं, वो परेशानी से मुड़ी, ये क्या है। फिर दूसरी कबट खोलकर उसे करीब किया, जहाँ दो तीन नाइटीज लटकी थी। मनाहिल का जी चाहा अभी रूम से बाहर निकले और समंदर में छलांग लगा दे। नज़रें झुकाए उसके पास से हटना चाहा, मगर उसने कमर में हाथ डालकर उसे खुद से करीब कर लिया। बताओ क्या पहनोगी, उसके कान के करीब झुक कर धीमे लहजे में बोला। प्लीज़ अपनी धड़कनें संभालती, बस इतना ही कह सकी। जाओ चेंज करके आओ, नाइटी देख के मनाहिल का रंग शर्म और गुस्से से सुर्ख हो चुका था। आपको शर्म नहीं आती, गुस्से से अपना आप छुड़ाती बेड पर आकर बैठ गई, जबकि ज़ियान का क्या कहा बेसाख्ता था। गुस्से से दुपट्टे की पिंस निकालने लगी, तभी ज़ियान का फ़ोन बज उठा था। मनाहिल की नज़र फ़ोन पर पड़ी तो इशा कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसके बराबर में बैठते हुए कॉल रिसीव की तो वो खिसक कर साइड पर हुई। हाँ यार कैसी हो, नज़रें उसी पर थीं जो किसी सोच में गुम ज्वेलरी उतार रही थी। आज आई नहीं, बहुत वेट किया तुम्हारा। ड्रॉ में ज्वेलरी रखने जाने लगी, मगर ज़ियान ने खींच कर उसे खुद पर गिरा लिया। वो इस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए पूरी की पूरी
उसी पर आ गई। तो यार मेडिसिन लो ना, इस तरह लापरवाही मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसको चैलेंजिंग अंदाज में देखा, जो मुसलसल खुद को छुड़ाने में लगी हुई थी। मनाहिल कहाँ है? इशा की आवाज़ इतनी थी कि मनाहिल तक आराम से पहुँच गई। इस वक्त उसका नाम ना लो, सो रही होगी शायद। इस समय करवट बदल कर मुस्कुराते हुए बोला तो मनाहिल ने गुस्से से इस दोगले शख्स को देखा। एक बार तो दिल में आया कह दे तुम्हारा महबूब झूठ बोल रहा है, मगर फिर दिल महसूस कर रह गई क्योंकि शेर के मुंह में हाथ डालकर नुकसान अपना ही था। मजबूरन खामोश रही। उसके माथे से लेकर लबों तक अपनी उंगली से लकीर खींचने लगा। चलो तुम रेस्ट करो, गुड नाइट। मोबाइल साइड पर डालता उंगली को थोड़ी तक ले आया। प्लीज़ हटें, उसकी हरकतों पर बेबस होती आंखें बंद कर गई। जिसका लम्स अपनी गर्दन पर महसूस कर सकती थी, फिर अचानक उसे धक्का देकर दूर हटी। आखिर मसला क्या है आपके साथ, क्यों कर रहे हैं ये सब? गुस्से से चीख उठी, चीखती मुठियां बार बार खोल बंद कर रही थी। क्या किया है मैंने, वजाहत करो। सख्ती से एक हाथ से बाजू और दूसरे हाथ से चेहरा पकड़े पूछा तो मनाही एकदम सुन हो गई। जवाब तो मुझे डैमिट, वो ज़ोर से दहाड़ा तो उसकी खौफ से लरजते आंखों में नमी जमा होने लगी। अपनी सुर्ख होती आंखों को सख्ती से बंद करके खोला। अगर एक भी आंसू गिरा मनाहिल तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सख्ती से उसे उसके सीने पर मुक्के बरसा दिए उसने उसके सीने पर मुक्के बरसा दिए। मैं खुद नहीं रोई, आपने रुलाया है। मनाहिल को न जाने क्या हुआ, उसे अपने नाजुक हाथों से उसे मार रही थी। पहले तो हैरत से उसे देखा, फिर सुकून से लेट कर मार खाने लगा, जैसे वो मुक्के ना मार रही हो बल्कि उसकी खिदमत कर रही हो। कुछ देर बाद गुस्सा ठंडा हुआ, आंसू पोंछती साइड पर बैठ गई। बस थक गई और मार लो, मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा तो वो सुर्ख पड़ती बेड के किनारे पर लेट गई। जाओ जाकर चेंज करो, ये कील कांटे चुभेंगे, उसकी पुकार पर कानों में पड़ी तो वो तप उठी। अच्छा है ना, इसी बहाने दूर रहेंगे, हल्के से बड़बड़ाई थी मगर वो फिर भी सुन चुका था। तुम जानती हो मुझे फिर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, चैलेंजिंग अंदाज में कहता उसे खामोश करा गया था क्योंकि सही तो कह रहा था। वो झंझलाकर उठती, कपड़े बदलने चली गई। वापस आई तो वो आंखें बंद किए शायद सो चुका था। माहौल में खामोशी छाई थी, बस समंदर का शोर सुनाई दे रहा था। उसका दिल घबराने लगा, उसे बचपन से ही समंदर से खौफ आता था। अब तो वो उसके बीच में थी, अगर टाइटैनिक की तरह डूब गई तो। डर कर जल्दी से बेड पर पड़ा, ब्लैंकेट ओढ़ लिया। या अल्लाह मुझे क्यों डर लगता है इतना, अपनी बेबसी पर आज पहली बार रोना आया था। एक नज़र ज़ियान को देखा जो औंधा लेटा सो चुका था। तभी अचानक हवा से खिड़कियां टकराईं, उसकी चीख निकल गई थी। वो भी हड़बड़ाकर उड़ गया। क्या हुआ, परेशानी से उसे देखा जो उसके बाजू से चिपकी बैठी खिड़की को देख रही थी। हम यहाँ क्यों आए, यहाँ आपको कोई और जगह नहीं मिली थी? खौफ के मारे अटक अटक कर बोली। राहिम पहले ही उसे मनाहिल के खौफ के बारे में बता चुका था। ये राहिम का आइडिया था, मेरा नहीं। साइड से पानी उठाकर उसे दिया। प्लीज़ घर चले, मैं नहीं सो सकती यहाँ, खौफ से पूरे कमरे को देखने लगी। पानी पियो, ज़बरदस्ती थोड़ा सा पानी पिलाया और ख़ुद भी पीकर उसे अपने बाजू पर लिटाने लगा। मुझे नहीं लेटना, उसने मचल कर उठना चाहा। अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो खामोशी से लेट जाओ, उसने वॉर्न किया तो आंखों में नमी जमा होने लगी। अपने तकिए पर लेटूंगी, उससे दूर हुई और कोने में लेट गई। थोड़ी देर तक उसे देखता रहा, जानता था वो ऐसे कभी नहीं सोएगी। दोबारा हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास घसीट लिया। एक लफ्ज़ ना निकले तुम्हारे मुँह से वरना सारी कमिटमेंट्स भूल जाऊँगा, उसकी सख्त आवाज़ पर वो सुन हो गई थी मगर उठने की कोशिश ना की। थोड़ी देर बाद खुद को नींद की वादियों में उतरता महसूस कर रही थी। ज़ियान का एक हाथ मुसलसल उसके बालों में चल रहा था। शादी को एक हफ़्ता गुजर चुका था। ज़ियान ने वलीमे के अगले दिन से ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। इस पूरे हफ्ते में उनके दरमियान गुफ्तगू ना होने के बराबर ही हुई थी, जिसमें ज़्यादा हाथ मनाहिल का था। वो उसके उठने से पहले ही कपड़े वगैरह सब निकाल कर अलार्म सेट करके कमरे से निकल जाती और रात को उस वक्त कमरे में घुसती जिस वक्त वो सो चुका होता। इस पूरे हफ्ते में उसका क़याम सोफे पर था। वलीमे की रात के बाद से वो उससे छुपी छुपी फिर रही थी। न जाने उसे क्या हुआ था, उसके इतने करीब कैसे सो गई थी। जब भी अपने बालों में उसका लम्स महसूस करती तो दिल अलग ही अंदाज में धड़कने लगता, फिर अपनी सोचों को झटक देती। इस वक्त भी वो अपनी और दुआ के कमरे में थी। ज़ियान अभी ऑफिस से नहीं लौटा था।
आज ना जाने कितने दिन बाद उसने अपने मोबाइल ऑन किया था, जिस पर काफ़ी दोस्तों की विशेस आई हुई थी। कुछ मैसेजेस मोहित के भी थे। नफ़रत से उसका नाम और आईडी देखी, ब्लॉक करने से पहले उसके मैसेजेस खोल लिए, जिनमें कुछ शादी के दिन के किए गए मैसेज थे। माही, आखिरी बार बात कर लो। मनाही, क्या मुझे इतनी बड़ी सजा दोगी, बात तो कर लो प्लीज़। माही, मैं लंदन जा रहा हूँ। यह उसके लास्ट पेपर वाले दिन का मैसेज था। मैं वापस आ चुका हूँ, मगर तुम अब भी ना बदली थी। बदली वो कि शख्स क्या इतना सहर अंगेज़ है। उसकी मेहंदी के दिन किया गया मैसेज था। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा था माही, मगर शायद मेरी मोहब्बत में इतनी लगन ना थी कि तुम तक पहुँच पाता। मगर मेरी दुआ है तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले। ये वो आखिरी मैसेज था जो बारात की रात को किया गया था। मनाहिल का सर दर्द से फटने लगा। मोबाइल साइड में डालकर सर तकिए में दे दिया। काश मोहित तुम अपने रिजेक्शन का इतना भयानक बदला ना लेते मुझसे। कोई किसी की इज्जत आबरू पैरों तले रोंदे कैसे इतना गिर सकते हो। आंखों से दो आंसू टूटकर गिरे थे। सोचे कहां से कहां निकल गई थी, कितना बदल गई थी उसकी ज़िंदगी इन्हीं ख्यालों में गुम। न जाने कब उसकी आंख लग गई जो मगरिब की अजानों पर खुली थी। बाल समेटकर जूड़ा बांधा, येलो कॉटन की कमीज शलवार पर शेफोन का दुपट्टा साइड में बेड पर पड़ा था। मेहंदी हल्की हल्की हटना शुरू हो गई थी। एक हाथ में गोल्ड की रिंग और ब्रेसलेट और दूसरे हाथ में नाजुक गोल्ड की चूड़ियाँ। उसके गदास हाथों पर बहुत जचती थी। जिसका रिदा और हिना ने बरमला इजहार भी किया था, वो ज्वेलरी नहीं पहनती थी, मगर इन लोगों ने टोक कर आदत पड़वाई थी। नाक में छोटी सी हीरे की लौंग और गले में बारीक सी चैन उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देती थी। आप ही नीचे, फहद भाई आए हैं। ताई अम्मी आपको बुला रही हैं। वजू करके लोटी तो दुआ पुकारती हुई ताई अम्मी का पैगाम लेकर आई। अच्छा, आ रही हूँ, उसने नमाज के लिए दुपट्टा बांधते हुए कहा। उसे उनकी और उनकी मामा की नज़रों से उलझन होती थी, जो हर वक्त उसका गहरी नज़रों से जायज़ा लेती थी। नमाज पढ़ के नीचे किचन में आ गई, जहाँ ताई अम्मी और हिना पहले से ही मौजूद थी। तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं शोहर कब का थका हारा घर आ चुका है और तुम पड़ी सो रही हो। ये हरकतें होती हैं शादीशुदा लड़कियों की, उसे देखते ही हमेशा की तरह शुरू हो गई थी ताई अम्मी। सॉरी ताई अम्मी, पता नहीं कैसे आंख लग गई थी, उसने सर झुकाकर हल्के से कहा था। आदतें बदलो अपनी, अगर इतनी ही नींद आती है तो वक्त पर सोया करो। शोहर का कुछ ख्याल नहीं कि चाय नाश्ते का पूछें। वो अपनी नींदें पूरी कर रही हैं बस, उसे झाड़ते बाहर निकल गई। हाँ, वक्त पर सोऊं तो अपने लाडले को कहीं भेज दें। फिर उनके जाने के बाद गुस्से से बड़बड़ाई। हिना की मौजूदगी कोई अक्सर भुला चुकी थी। उसकी बात पर हिना का क्या कहा किचन में गूंजा, वो शर्म से गड़ कर रह गई थी। तो यार, बताना था ना उन्हें आपका बेटा जगा कर रखता है, उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर शरारत से बोली हिना। चुप हो जाओ, नहीं तो ये सारे सैंडविच तुम्हारे मुंह में ठूंस दूंगी। अपनी लापरवाही पर उसे जी भर कर गुस्सा आया था। क्या ज़रूरत थी इतना फजूल बोलने की, लेकिन वो तय कर चुकी थी कि आज से जल्दी सोएगी। ज़ियान से बचने के चक्कर में 2 बजे के बाद कमरे में घुसती और फजर की अजान पर उठ जाती थी। दिन में भी सोने का टाइम नहीं मिलता था, लेकिन यार अभी अपने शोहर को खिलाओ, उनका मूड कुछ बिगड़ा हुआ था। वो तो शुक्र करो फाहद भाई आ गए। हिना ने डराना चाहा तो वो एक पल के लिए तो परेशान हुई, मगर अगले ही लम्हे मुझे क्या कहकर सर झटकती ट्रॉली में सामान लगाने लगी। छोड़ो, अब मेरा काम ये है, यही रह गया है क्या, बस उनके मूड देखती रहूँ। और उनकी माँ के, उसने मुंह बनाकर कहा था, अपने शोहर के मूड से ही देखा करो, वरना नुकसान में रहोगी। पागल लड़की, तुम बहुत मासूम हो। उसके कंधे पर चपत लगाते चाय निकालने लगी। वो बुरा सा मुंह बनाकर ट्रॉली लेकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई थी। सलाम करके अंदर दाखिल हुई, वो भी इन दोनों के साथ बैठा था। वो लवाजमात टेबल पर रखने लगी। इसकी क्या ज़रूरत थी, फाहत ने मुरवतन कहा तो वो मुस्कुरा दी थी।
तू ना खा, ज़बरदस्ती थोड़ी है, राहिम ने सैंडविच की प्लेट लेते हुए कहा था। इसीलिए खा रहा हूँ कि तेरी तोन ना निकल जाए, खा खा कर सैंडविच से इंसाफ करते हुए जवाबी कार्रवाई की, जबकि ज़ियान खामोश बैठा उसका जायज़ा ले रहा था। नहीं चाय दो मुझे बस, उसने सैंडविच देने चाहे मगर नागवारी से मना कर गया। अब उसे वाकई उसके मूड की ख़राबी का अंदाज़ा हुआ था। क्यों भाई, डाइटिंग शुरू कर दी क्या, राहिम ने हैरत से उसे खाली प्लेट चाय पीते देख। उसने मीटिंग की वजह से लंच भी नहीं किया था। मनाहिल ने खामोशी से उन्हें चाय सर्व की और बाहर निकल गई थी। यार तू मेरा काम कर दे बस, फाहद ने उसे लापरवाह याद दहानी कराई। हाँ आकर बात करूँगा, चाय हलक में उंडेलता कुछ बेजार सा हो रहा था। फिर वो काफ़ी देर तक बातों में लगे रहे। फाहद 9 बजे के करीब जाने के लिए उठा तो वो भी कमरे में चला गया। आज रात 4 बजे की उसकी दुबई की फ़्लाइट थी। क्या हुआ ज़ियान, कहाँ है, सब टेबल पर मौजूद थे। उसके घर मौजूदगी पर ताई अम्मी ने पूछा। जी मैं बुलाकर लाती हूँ। वो खुद चली आई, एक बार दुआ को भेज चुकी थी मगर जवाब ना आया था। रूम में आई तो वो लैपटॉप गोद में रखे पुछ सिरहाने पर टिकाए काम में मसरूफ था। खाना खा ले, दरवाजे पर ही खड़ी बोली थी। नहीं खा रहा अभी, स्क्रीन पर नज़रें गाड़ दे, सपाट लहजे में कहा। तो कब खाएंगे, उसने वॉल क्लॉक देखते हुए कहा जो 11 बजा रही थी। तुमसे पूछकर खाऊंगा अब, या इसके लिए भी ऐसा करो अलार्म सेट कर दो ताकि जब बजे मैं ठूस लूं। रोबोट हूं ना, वो एकदम ही फट पड़ा जबकि वो चुप की चुप रह गई। जानती थी ये तंज क्यों किया जा रहा है। फिर खामोशी से वापस मुड़ गई। क्या हुआ, नहीं आया, सौम्या बेगम ने उससे पूछा जो अपनी जगह पर आकर बैठ गई थी। बाद में खाएंगे कह रहे हैं, सर झुकाकर कहती प्लेट में चम्मच चलाने लगी। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने, अलार्म ही तो सेट करती हूँ, इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है, खुद से मुखातिब होती। सबके खाने के बाद बर्तन समेटने लगी। मनाहिल तुम तो खा लो ना बेटा, उसे ऐसे ही उठते देखकर सौम्या बेगम बोली। शाम में सैंडविच वगैरह खा लिए थे, इतनी भूख नहीं, उन्हें मुस्कुराकर कहती राहिम को पानी देने लगी। तुम दोनों मियाँ बीवी डाइट पर हो क्या, उसने लंच भी नहीं किया था और उसकी तो 4 बजे की फ़्लाइट है दुबई की। पैकिंग कर ली, उसे बताते हुए उठा तो उसने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। जी जा रही हूँ बस, लब काटने लगी। जल्दी जल्दी सारा काम समेटवा कर कमरे में आई तो वो चेहरे पर बाजू रखे लेटा था। समझ ना आया कैसे बात करे। आपकी फ़्लाइट है, पैकिंग कर दूँ, कुछ झिझक कर पूछा। वो हमवस बाजू रखे लेटा रहा। वो मुसलसल अपनी उंगलियां चटखाती रही। सो रहे हैं, थोड़े करीब आई, दिमाग ना ख़राब करो मेरा, और 3 बजे का अलार्म सेट करके मेरे बराबर में रख दो, करवट बदलते हुए तपे हुए अंदाज में बोला। अच्छा खाना तो खा ले, राहिम भाई ने बताया है आपने लंच भी नहीं किया था, बेड के किनारे पर बैठ गई थी। ये ड्रामा करके किस पर एहसान कर रही हो, गुस्से से कहता ज़ियान दांत पीसता अलमारी की तरफ बढ़ गया। ताई अम्मी परेशान हो रही थी आपकी वजह से, लाएं दें क्या पैक करना है, शर्ट्स निकालता देख फिर उसके पास आई। नहीं शुक्रिया, मामा यहाँ नहीं है लिहाजा तुम्हें भी इस झूठी फरमाबरदारी की ज़रूरत नहीं, गुस्से से शर्ट्स बेड पर फेंकता दोबारा अलमारी की तरफ मुड़ा। देखें आप खामखा लड़ाई कर रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपके सारे काम भी टाइम पर करती हूँ। उसे इधर से उधर होते देख हल्की आवाज़ में बोली थी। हाँ किस तरह करती हो जानता हूँ, हर चीज़ मेरे मुंह पर मार देती हो, मुझे तो किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ ही नहीं सकती, रोबोट हूँ ना मैं, गुस्से से उसे करीब आया जो अलमारी से जा लगी।
अच्छा सॉरी कहा ना, लब काट दी हल्के से, मनमनाई लग तो नहीं रहा कि शर्मिंदा हो और से उसे देखने लगा। देखें इतना टाइम हो गया है, आपने पैकिंग भी नहीं की, और अगर कुछ बनवाना है तो बता दें, मैं बना दूंगी। सुलह जो अंदाज में बोली, क्योंकि जानती थी ये शख्सियत का बहुत पक्का है। ठीक है पहले पैकिंग करवाओ। उस पर झुकने लगा वो, जल्दी से साइड से निकली और बैग निकाल कर उसका सामान रखने लगी। वो बेड पर लेट कर उसका जायज़ा लेने लगा था। कितने सूट रखूँ, उसने मुड़कर पूछा। 15 दिन का टूर है, रख दो। इसी हिसाब से उसका दुपट्टा उंगली में लपेटने लगा। छोड़े, उसने दुपट्टा छुड़ाना चाहा तो वो चैलेंजिंग अंदाज में उसे देखता पूरा दुपट्टा अपने हाथ में लपेट गया। उसने दांत पीस कर अपने चचोरे शोहर को दिखा, जो शरारत से मुस्कुरा रहा था। गाल गुलाबी होने लगे, रुख मोड़ कर अपना काम करने लगी। इस वक्त बहस में वक्त बर्बाद नहीं कर सकती थी। जल्दी जल्दी उसकी पैकिंग करी। फिर भी 1:30 बज गए थे। खाना लाऊं? जब वो बैग साइड में रखकर मुड़ी तो पूछने लगी। हाँ ले आओ, फाइल बंद करके बोला। इसे छोड़ें आप, झंझलाकर उसके नीचे दबा दुपट्टा खींचा, जो बगैर किसी पसो पेश के छोड़ दिया था। वो ओढ़ कर बाहर निकल गई। उसे पिछले 2-3 दिन से गुस्सा चढ़ा था। जिस तरह वो उसकी नज़रों से दूर होने में लगी रहती थी, जिसका इजहार वो आज कर गया था, मगर उसकी मासूमियत पर पिघल भी गया था, जो उसकी ऊंची आवाज़ पर डर भी जाती थी। इस वक्त सर में शदीद दर्द हो रहा था। दिल चाह रहा था बस लंबी तान कर सो जाए। चले खाना खाएं, टेबल पर ट्रे ला कर रखी तो वो भी उठ कर आ गया। साथ में वो मेरा साथ दो मेरा, तुम जानती हो मैं अकेले नहीं खाता। उसे अलमारी की तरफ जाता देख कर हुक्म दिया, मैं खा चुकी हूँ, उसने बगैर मुड़े कहा, वरना भूख तो बहुत ज़ोर की लग रही थी। फिर भी आओ। वो उसके बराबर में आकर बैठ गई। अब क्या अपने हाथों से खिलाऊं? खुद को देखता पाकर चिढ़कर बोली। आइडिया बुरा नहीं है, वैसे मुस्कुराकर कहता, खाना खाने लगा। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रही? उसे ऐसे ही बैठा देखकर पूछा। स्पून नहीं है क्या? लो मुंह खोलो। पुलाव भरा चम्मच उसकी तरफ बढ़ाया। नहीं खा ले, मैं ले आती हूँ। उसने झिझक कर मना करना चाहा, मगर ज़ियान उसके मुंह में दे चुका था। फिर एक चम्मच अपने और एक उसके मुंह में देता रहा, और वो हैरत से उसे देख रही थी। बस पेट भर गया मेरा, नज़रें नीचे करें, आहिस्ता से बोली। तो उसने ट्राइफल का बाउल उठा लिया। ये कौन खाएगा? उसकी तरफ चमचा बढ़ाया। नहीं आप खाएं, मैं नहीं खा सकती। वो उठने लगी तो ज़ियान ने वापस बिठाया, एक स्पून तो लेना ही पड़ेगा। उसने बेबसी से उसे देखा और एक चमचा लेकर उठ गई। ये पहले चमचे में मिर्ची कहाँ से आ गई थी? बाउल वापस रखते हुए उसे छेड़ा तो वो तपकर उसे देखती कमरा समेटने लगी। उसके रेडी होने तक उसकी चीज़ें सेट करती रही। अब सख्त नींद आ रही थी। मेरी टाई बांधो, चलो जल्दी। टाई गले में लटकाई, अपने पीए को टैक्स कर रहा था। मुझे नहीं आती बांधनी, उसने झट इनकार किया। कुछ आता भी है या नहीं, उसे घूर कर मोबाइल बेड पर डाला और मिरर में देखकर टाई बांधने लगा। वो नींद भरी आंखों आंखें लिए बैठी थी। ये तुम्हें इतनी नींद क्यों आती है? जब मैं ऑफिस से आया था तुम तब भी सो रही थी। उसके खुमार आलूद आंखों में अपनी स्याह आंखें गाड़ते हुए वो बोला था, इंसान हूँ मैं, और 3 बजे सोने का ही वक्त होता है। उसे मोबाइल वगैरह उठाता देख गुस्से से बोली थी, मगर अब पूरी रात जागने की आदत डाल लो। उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर उस पर झुक गया। इस बार उसके लम्स में शिद्दत थी, जिसे मनाहिल ने बखूबी महसूस किया था। ख्याल रखना अपना, और वापस आऊँ तो सोफे पर सोती नजर ना आऊँ, आहिस्ता से उसके कान में सरगोशी करता अपना लम्स उसके पास छोड़ गया था। वो अपने दिल की धड़कनों को काबू करती बेड पर बैठ गई।
हाथ खुद ब खुद लबों तक पहुंचे तो अपनी कैफियत से घबराती सुर्ख पड़ता चेहरा तकिए में छुपा गई, जिसमें भी ज़ियान हैदर की खुशबू आ रही थी। आंखें खोलकर तकिया देखा जो ज़ियान का ही था, फिर दोबारा आंखें बंद कर दी, नींद की वादियों में उतर गई थी। मोहित, मुझे तुमसे बात करनी है। वो दोनों इस वक्त शहर के मशहूर रेस्टोरेंट में बैठे लंच कर रहे थे। हाँ बोलो। मोबाइल से नज़र हटाकर उसे देखा। इस तरह मोबाइल में घुसे रहोगे तो कैसे करूँगी, रूठ कर बोली तो मोहित ने भी मोबाइल टेबल पर रख दिया। अच्छा बोलो। अब उसे गौर से देखने लगा। पर्पल टॉप और जीन्स में बहुत प्यारी लग रही थी वो। मोहित, क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? दिल पर पत्थर रख कर उसकी आंखों में देखकर पूछा। तो वो नज़रें चुरा गया था। नहीं, क्यों? दिल में उठती टीसों को नज़रअंदाज करके आम से लहजे में कहता। एक पल के लिए सुन हो गया, फिर फौरन नज़रें चुरा गया। वो बेचैन सा था। मनाहिल ने उसके मैसेजेस सीन करके उसे ब्लॉक कर दिया था। अपनी प्लेट में सॉस डालने लगा। तो मुझे फिर क्यों इग्नोर कर रहे हो तुम? बहुत गर्व से कहा था। मोहित को उसकी हालत पर तरस आने लगा। वो उसे क्यों दुख दे रहा था? तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तो मैं क्यों इग्नोर करूँगा? हल्की सी स्माइल उसे पास की। मुझे तुम्हारी दोस्त नहीं बनना, नज़रें टेबल पर मरकूज करके अजीब लहजे में बोली। तो मोहित ने नासमझी से उसे देखा। क्या मतलब? हैरानगी से बोला। मुझे तुम्हारी हम सफ़र बनना है मोहित। आंखों में नमी जमा होने लगी थी जबकि वो गंग रह गया था। उसे इससे इतने वाज़े इजहार की तवक्को ना थी, जबकि उसकी खामोशी पर उसकी आंखों से लड़कियों की सूरत आंसू गिरने लगे थे। रामीन, तुम प्लीज़ खुद को संभालो, उसकी हालत देखकर फौरन उसके हाथ पर अपना हाथ रख गया था। उसके लम्स में उम्मीद सी थी। रामीन उसे गौर से देखने लगी थी। मैं मामा से बात करूंगा, मुझे कुछ टाइम दो, उसने सपाट अंदाज में कहा, सपाट लहजे में कहा, जबकि रामीन खिल उठी थी। उसे यकीन ना आया था कि वो शख्स उसका भी हो सकता है, जबकि मोहित कहीं और ही गुम था। तुम मेरी ना हो सकी, मेरे सामने तो रहोगी, तुम्हें देखकर मेरे दिल में मौजूद तमाम दिल में मौजूद तुम्हारे नाम का फूल जिंदा तो रहेगा। तसव्वुर में अपने महबूब से मुस्कुराते हुए हम कलाम होता रामीन को मुस्कुरा कर देखने लगा था। घर आई तो अब्दाल और ईशा आए हुए थे। ज़ियान को गए काफ़ी दिन हो गए थे, जिसका फ़ायदा उठाता अब्दाल हैदर पैलेस आ गया था, वरना ज़ियान की मौजूदगी में उसकी यहाँ आने की हिम्मत ना होती थी। ओहो, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं, रामीन ने अब्दाल को देखकर छेड़ा। तुम बताओ कहाँ गायब थी? मेज़बानी का हुनर नहीं आता तुम्हें? अब्दाल ने उसे छेड़ा तो वो खिलखिलाकर हंस दी। आज उसका मूड बहुत खुशगवार था। ज़ियान कॉल करता है यहाँ, ईशा ने मनाहिल को ट्राली लाते देख फायका बेगम से पूछा। नहीं बेटा, जब से गया है तभी फ़ोन किया था बस, उन्होंने कुछ अफसरदा होकर कहा। मुझे तो करता रहता है, उसने मुस्कुरा कर कहा। आप भी बैठे हमारे साथ? अब्दाल की नज़रें उस परी पैकर पर थीं, उसे लवाजमात रख कर जाता देख अब्दाल ने गहरी नज़रों से उसका जायज़ा लेते कहा। उसकी बात पर ईशा ने नागवारी से भाई को देखा। वह एक लम्हा भी उसे अपने सामने रखने की कायल ना थी। मनाहिल बगैर जवाब दिए वहाँ से निकलती अपने रूम में चली आई। ज़ियान ने जाने के बाद एक बार भी फ़ोन नहीं किया, मगर अभी ईशा की बात सुनकर गुस्सा ज़रूर आया था। मुझे क्या महबूबा है उनकी, रहे गुस्से से बड़बड़ाती करते रहे गुस्से से बड़बड़ाती मोबाइल चेक करने लगी। जब ही कमरे में ईशा चली आई, मगर उसे ज़ियान के बेड पर इस्तेकाक से लेटा देख जलकर राख हो गई थी। वो कहाँ शेयर कर सकती थी ज़ियान को किसी के साथ, जबकि उसे देखकर मनाहिल ने अपनी नागवारी को छुपाते उठ बैठी थी। कुछ चाहिए? उसने आम से अंदाज में पूछा तो ईशा को लगा वो उसका मजाक उड़ा रही है।
तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली, मुझे कम से कम तुमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, वो फंकारी। तो यहाँ क्या कर रही हो फिर, जाओ यहाँ से, नागवारी से कहते अपने सांप का अंदाज में लेटकर मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हो गई। तुम्हारी औकात ही क्या है मुझे यहाँ से निकालने की, ज़ियान ने मजबूरी में तुम्हें अपना नाम दे दिया तो तुम समझ रही हो उसकी हर चीज़ पर तुम्हारी हुकूमत है। तनतनाती हुई और तमसखराना अंदाज में कहती मनाइल को देखने लगी, मुझे ऐसा कोई शौक लाहक नहीं, जो चीज़ मेरी है उस पर हक जताने की मुझे क्या ज़रूरत, बेतासुर अंदाज में कहा, हालांकि दिल चाह रहा था धक्का देकर उसे दफा कर दे। याद रखना कुछ नहीं है तुम्हारा, उसके दिल में मैं हूँ और उसके कमरे में भी मैं ही होंगी। तुम जैसी करैक्टरलेस लड़की बीवी नहीं, उसके लिए सिर्फ एक मजबूरी है, तंजिया अंदाज में बोली, जबकि उसकी घटिया बात पर मनाहिल का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। मेरी तरफ से भाड़ में गई तुम और तुम्हारा ज़ियान हैदर, जो चाहे करती फिरो, मुझे कल ना परवाह थी और ना आज है और ना कभी होगी, ना ही मुझे अपने करैक्टर का सर्टिफिकेट तुम जैसे घटिया लोगों से चाहिए, इसीलिए दफा हो जाओ यहाँ से अब, इंतहाई ज़ब्त से कहती उसे उसकी औकात याद दिला गई थी। यू विल हैव टू पे मनाहिल हैदर, मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नफ़रत से उसे देखती तनफन करती कमरे से निकल गई। उसके जाने के बाद वह बेड पर ढेर हो गई। इस वक्त दिल चाहा किसी ऊंचाई से जाकर छलांग लगा ले या इन लोगों के मुंह बंद कर दे जो उसे किसी पल चैन से नहीं रहने दे रहे थे। हाँ हाँ, ये आपने क्या कर दिया बाबा, ये आपने क्या कर दिया मेरे साथ, क्या सारी ज़िंदगी में बेगुनाह होकर भी कसूरवार ठहराई जाऊंगी। वो सिसक उठी अपनी बेबसी पर। उसका मोबाइल कब से बज रहा था, सर उठाकर देखा, ज़ियान लिखा आ रहा था।